हेलो फ्रेंड्स, manisha.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे केले की काफ़ी डिलीशियस कोफ्ते की रेसिपी। आपको पसंद आने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 फ्रेश केले। इसे इसका सामने वाला और पिछला वाला भाग में कट कर लेती हूँ और इस तरह से सावधानी से इसके छिलके उतार लेना है। सावधानी से इसके सारे छिलके में उतार लेती हूँ। यह देखिए इस तरह से। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े में कर लूँगी ताकि जल्दी से बॉयल हो जाए। अब मैंने डाल दिया है 1 गिलास के करीब पानी, इसमें मैंने केले को डाल दिया है। साथ में 1 आलू भी मैंने डाल दिया है बॉयल करने के लिए। थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसे 1 सीटी लगा लेना है। अब मसाले तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए जिंजर 1/2 इंच के करीब, 8-10 लहसुन, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया, साथ में 1/2 प्याज और इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इधर देखिए बॉयल हो गया है कच्चे केले, साथ में 1 आलू। इन्हें पोटैटो मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। काफ़ी गर्म है इसलिए पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से यह मैश हो जाएंगे। अब थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसे मिक्स करने के बाद मैंने ग्रेट किया हुआ प्याज 1/2 डाल दिया है। साथ में 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है जीरा, साथ में हल्दी थोड़ा सा, कश्मीरी लाल मिर्च, जिंजर और थोड़ा सा सौंफ 1/2 स्पून के करीब। हाथों से क्रश करके डाल दिया। अब डाल देती हूँ थोड़ा सा पिंच गरम मसाला और 1/4 स्पून के करीब आपका काली मिर्च। साथ में 2 स्पून मैंने डाला है बेसन बाइंडिंग के लिए। अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। साथ में टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। देखिए परफेक्ट तैयार है। अब डाल देती हूँ 1 स्पून ऑयल, कोई भी ऑयल डालिए ताकि हाथों में चिपके ना। अब डाल देती हूँ 1 हरी मिर्च, साथ में धनिया के पत्ते ढेर सारे। अब इन्हें भी अच्छी तरह मिक्स करके, देखिए अच्छी तरह मिक्स करके रख लेना है और इसे फटाफट से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है वरना ये इसमें जो है ये गीला होना शुरू करेगा क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ है, ये मॉइस्चर छोड़ देंगे। अब मैंने फटाफट से कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है और एक एक कर सारे कोफ्ते को जस्ट फ्राई कर लेना है। अब गैस का फ्लेम एकदम से लो रख के 4 से 5 मिनट में कोफ्ते हमारे फ्राई होंगे। अब धीरे धीरे इसे चला लेती हूँ। इधर मैं ग्रेवी तैयार कर लूँगी, इसके लिए मैंने कढ़ाई लगा दिया है। डाल देती हूँ सरसों ऑयल, डाल दिया है 1/2 स्पून के जीरा, सूखी लाल मिर्च, साथ में प्याज बारीक कटा हुआ, पिंच हींग। जब प्याज अच्छी तरह सुनहरा कलर हो जाए प्याज में तो फिर इसमें डाल देती हूँ ग्रेट टमाटर, कद्दूकस किया हुआ, साथ में नमक, मिर्च पाउडर। सब्जियाँ अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। डाल देती हूँ हल्दी, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे भी 10-1 सेकेंड इस तरह से मिक्सअप कर लेना है। जब मिक्स हो जाए तब इसमें डाल देती हूँ पिसे हुए मसाले, साथ में थोड़ा सा पानी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके इसे फ्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ 5 से 7 मिनट। इधर कोफ्ते देखिए तैयार हो गए हैं। इसे और थोड़ी देर अच्छी तरह से चला के फ्राई कर लेना है। ये देखिए तैयार है, इस तरह से गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। सारे कोफ्ते मैं निकाल लेती हूँ, शानदार कोफ्ते रेडी है। बाकी के कोफ्ते भी ऑयल में मैं छोड़ देती हूँ। यह देखिए ये कोफ्ते ऐसे ही खाने में काफ़ी डिलीशियस लगते हैं, कितने क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। आप चाय के साथ या स्नैक्स के रूप में इसका इसे आनंद उठा सकते हैं। यह देखिए काफ़ी शानदार तैयार है। इधर हमारे मसाले देखिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ।
आलू को अच्छी तरह से चला लेना है ताकि ये नीचे से जले ना। चलाने के बाद इसे मिक्सअप करके और 5 से 7 मिनट में छोड़ देती हूँ इसी तरह से फ्राई होने के लिए। इधर से हमारे तैयार है, सारे कोफ्ते निकाल लेती हूँ। इस तरह से बनाने से रेसिपी काफ़ी कम टाइम में ही बन जाते हैं। जब तक कोफ्ते बन रहे हैं इधर मसाले भी हमारे तैयार हो चुके हैं परफेक्ट। अब देखिए थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके इससे टेस्ट और भी बेहतरीन होगा, सॉरी और भी बेहतरीन होंगे। अब दो हरी मिर्च को मैंने इसमें डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद गर्म पानी 1 गिलास के करीब मैं इसमें डाल देती हूँ। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि कोफ्ते भी काफ़ी पानी खींचेंगे, उस हिसाब से आप ग्रेवी दीजिए। जब ग्रेवी में बॉयल आ जाए तब एक एक कर सारे कोफ्ते डाल देती हूँ। बस 1 सेकेंड इसे कोफ्ते में, जस्ट कोफ्ते को 1 सेकेंड ही रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं है वरना ये जो है टूट जाएंगे फिर। ये देखिए परफेक्ट 1 सेकेंड हो चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ फ्रेश क्रीम, घर का बना हुआ फ्रेश क्रीम 2 स्पून के करीब, इससे इसका टेस्ट में 4 चांद लग जाएगा। काफ़ी डिलीशियस यम्मी शानदार, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये सच में काफ़ी टेस्टी बनते हैं। सबसे आखिर में धनिया के पत्ते। अब गैस को ऑफ कर देती हूँ, अभी मैं सर्व नहीं करूँगी, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक हमारे रेसिपी है काफ़ी, रेसिपी हमारे सेट हो चुके हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।